हाय गाइस, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इंटरनेस्ट में वेलकम है। अभी कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। एग्ज़ाम देके जब से आई हूँ सीटेट का कोल्ड हो गया है, बमुश्किल आवाज़ निकलती है। आज मैं सोची कि भी इसका फॉर्म फिल की हूँ, अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हूँ, तो सोची एक मॉक टेस्ट लगा के देखती हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका पीआरटी, मैं फॉर्म फिलअप की हूँ पीआरटी पोस्ट के लिए, तो उसका मैं टेस्ट दूंगी। तो सोचे शेयर करूँगी आप लोगों से मेरा स्कोर क्या होता है। अभी अभी मेरा जो है प्रिपरेशन एकदम जीरो है, मैं कोई भी ना बुक ली हूँ ना कुछ। ऑलरेडी बुक है मेरे पास कंप्यूटर का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, फिर भी एक प्रीवियस ईयर सेट में ऑर्डर की हूँ जो कि आज ही डिलीवरी होने वाला था बट नहीं आया है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं अब टेस्ट दूंगी जो कि ये टेस्ट बुक का है। इसमें मैं एक टेस्ट आज जो लगाऊंगी, न्यू पैटर्न बेस्ड टेस्ट है इसमें, तो उस फुल मॉक टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। इस टेस्ट को मैं दूंगी और उसके बाद आप लोग से अपना स्कोर शेयर करूंगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब मैं फुल जो टेस्ट लगाई हूँ, मॉक टेस्ट दी हूँ, उसमें मेरा स्कोर कितना है, 11,674 रैंक है। टोटल स्टूडेंट 18,150 अटेम्प्ट किया था ये टेस्ट, और मेरा स्कोर है 102 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन। ये टेस्ट परसेंटाइल जो है 35.69 है और एक्यूरेसी 56.76% है। इसमें आप सेक्शनल देख सकते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसमें 20 क्वेश्चन रहता है उसमें मुझे 15 आया है, और फिर यहाँ पे जीके रीजनिंग एंड कंप्यूटर में 20 में 11 आया है। एजुकेशन एंड लीडरशिप जो कि एक पेडागोजी है उन सब्जेक्ट का, इसमें 60 में 32 आया है, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो रहेगा उसमें 44 आया आउट ऑफ 80। तो यहाँ पे मैं विदाउट एनी प्रिपरेशन एक मॉक टेस्ट लगाई हूँ, इसमें मेरा स्कोर आप देख सकते हैं कितना ही पुअर आया है। मुझे अभी बहुत वर्क करना है, और अब मॉक टेस्ट सिर्फ लगाने से नहीं होगा, इसका जो है हम फिर इसको सॉल्यूशन देख के जहाँ पे हम अटके हैं उसका एनालिसिस करना और उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करके फिर अपना स्कोर बूस्ट करना है। और एक्यूरेसी भी रहेगा और तो वो ज़्यादा बेटर होगा, उससे हमारा मॉरल भी डाउन नहीं होगा, हम मोटिवेट होंगे। तो अगर आप लोग भी कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे भी, ताकि मैं भी आप लोग का स्कोर देख के अपने आप को बूस्ट करूं कि मेरा भी स्कोर अच्छा आना चाहिए। विदाउट एनी प्रिपरेशन मेरा ये 102 नंबर कुछ खास नहीं है, मुझे वो समय कम मिलता है पढ़ने का, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अपना मार्क्स बूस्ट करूं और ज़्यादा स्कोर बढ़ाऊं, पर इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर हिंदी में तो गोल हूँ, बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आ रहा मुझे, सब भूल गई हूँ। इंग्लिश ठीक ठाक है, रीजनिंग ठीक है, कंप्यूटर भी ठीक है, थोड़ा करेंट और जीएस भी ठीक ही है। अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं देखी हूँ बट मुझे लग रहा है कि सब में मैं ठीक हूँ, इन दो सेक्शन में ज़्यादा काम करना पड़ेगा मुझे, एक एजुकेशन एंड लीडरशिप और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे। फिर करेंट तो कुछ पढ़ूंगी तो दो चार नंबर, 5 नंबर तो वो रहता है, जीके रीजनिंग एंड कंप्यूटर मिला के 20 मार्क्स का है, तो इसमें भी कम से कम 15 प्लस आना चाहिए तभी होगा। उम्मीद करते हैं इस ठंड के मौसम में आप लोग अच्छे होंगे, बच के रहिए ठंडा से और पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।